हिमाचल प्रदेश में मॉनसून चार दिन की राहत के बाद एक बार फिर उग्र रूप ले सकता है। मौसम विभाग की माने तो आगामी 13 अगस्त तक प्रदेश में हल्की और मध्यम स्तर की बारिश रहने की संभावना है। वहीं 13 अगस्त के बाद एक बार फिर प्रदेश में भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग की ओर से प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया है। वहीं प्रदेश में मॉनसून की रफ्तार धीमी पड़ने के साथ ही लोगों को बारिश से कुछ राहत मिली है। शिमला मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक सुरेंद्र पाल ने बताया कि प्रदेश में अभी मानसून की रफ्तार धीमी हुई है, जिसके चलते प्रदेश में कम वर्षा होने की संभावना है। 13 अगस्त के बाद एक बार फिर प्रदेश में मौसम के कड़े तेवर देखने को मिल सकते हैं। 13 व 14 अगस्त को प्रदेश के कुछ जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है। सुरेंद्र पाल ने बताया कि इसको लेकर प्रदेश में अलर्ट भी जारी किया गया है। राज्य में भूस्खलन को लेकर एडवाइजरी जारी की गई है, जबकि आगामी कुछ दिनों में बारिश कम देखने को मिलेगी। ऐसे में फ्लैश फ्लड और बादल फटने की घटनाओं से भी प्रदेश को राहत मिल सकती है। देखिए, अभी बारिश में तो कमी आ चुकी है और मॉनसून आगे अभी कमजोर रहेगा कुछ दिन। हालांकि 13 तारीख के बाद हल्की सी संभावना है कि बारिश बढ़ सकती है, लेकिन आने वाले करीब करीब 4 से 5 दिन मौसम में जो है मॉनसून में मॉनसून रफ्तार में कमी आएगी और बारिश अब आगे कम रहेगी। बीच बीच में बारिशें देखने को मिलेगी। जहाँ तक मॉनसून की बारिशों की बात है, डेफिसिट अगस्त में ज़रूर है, अगस्त में कम बारिश हुई है, लेकिन अगर ओवरऑल मॉनसून की पूरे मॉनसून की अब तक की बात करते हैं तो बरसात अभी भी एक्सेस है, करीब 50% के आसपास ज़्यादा बरसात हुई है अब तक। देखिए, मैदानी क्षेत्रों में भी बारिश में कमी है, क्योंकि ओवरऑल मॉनसून अब वीक है नॉर्थ इंडिया में। जहाँ तक तापमान की बात है, टेम्परेचर जो है सामान्य के आसपास चल रहे हैं दोनों, न्यूनतम और अधिकतम तापमान। और जैसे मैंने कहा कि अभी जो है एक वीक फेज़ है मॉनसून का, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि हैवी बरसात नहीं हो सकती है। बीच बीच में लैंडस्लाइड, क्लाउड ब्रस्ट भी आ सकते हैं, क्योंकि क्लाउड ब्रस्ट जो होते हैं वो जुलाई अगस्त में ज़्यादा होते हैं और बीच बीच में उनकी संभावना आज भी है। लेकिन जो पानी है उसकी मात्रा कम रहेगी, बारिश कम रहेगी, और ये जो फोरकास्ट है अगले करीब 4 से 5 दिन का है, उसके बाद फिर जो है कुछ बरसात में बढ़ोतरी हो सकती है। अलर्ट्स हमने डे 4th में रखा है, करीब 13-14 के आसपास उन दिनों हैवी रेनफॉल की संभावना है कुछ जिलों में, लेकिन बाकी टाइम में मॉडरेट बरसात है, स्कैटर्ड रेन रहेंगी होंगी जिलों में, कई जिलों में होंगी लो टू मिड हिल्स में, लेकिन बहुत ज़्यादा बारिश हैं, लगातार बारिश हैं, ऐसी संभावना अगले करीब 4 से 5 दिन नहीं है प्रदेश में। लैंडस्लाइड देखिए अभी भी प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि लैंडस्लाइड का बड़ा सीधा संबंध बारिश से नहीं है, उसका संबंध है कि आपका स्टेटा कितना स्ट्रांग है, कितना लूज है, उसके बेस पे होता है। तो अभी भी बड़ा रेगुलर उसकी प्रोबेबिलिटीज हैं, बीच बीच में लैंडस्लाइड आपको देखने को मिल सकता है। शिमला से नीरज डोगरा की रिपोर्ट।